दोस्तों नमस्कार। दो युवक अपनी बाइक से चौटन सर्किल से सिंदरी सर्किल की तरफ जा रहे थे। इस दौरान सदर थाने के पास पीछे से आ रही एक ट्रक ने जो है बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें से बाइक सवार दो युवक थे, जिनमें से एक युवक को है वो गंभीर चोटें आई, जिसके बाद जो ट्रक चालक था वो मौके से फरार हो गया। और जो पीछे से आ रहे आसपास के जो युवक थे उन्होंने जो है वो बाइक सवार जो नीचे गिरे हुए थे उनको उठाया और जो आसपास की गाड़ियों को रुकाने की कोशिश की कि इनको हॉस्पिटल लेके जाए, लेकिन किसी ने भी टैक्सी या गाड़ी ने नहीं रोका। और दो युवक जो पीछे से आए जिन्होंने अपनी स्कूटी से इन दोनों को जो अस्पताल है, जो जिस युवक को ज़्यादा चोटें लगी थी उसको अस्पताल पहुँचाया, जिसका यहाँ पर अस्पताल में जो है इलाज चल रहा है और जो हालत है वो गंभीर बताई जा रही है। और डॉक्टरों ने जो है प्राथमिक इलाज के बाद में जिसका नाम युवक का नाम जो है दिनेश पुत्र देवाराम जो गांव धारासर उनको जो है जोधपुर के लिए जो है रेफर कर दिया गया है। जो प्राथमिक इलाज है उसको करने के बाद में जोधपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। सदर थाना के पास में जो है दो युवक जो है वो अपनी बाइक से चौटन सर्किल से सिंदरी सर्किल की तरफ जा रहे थे। इस दौरान सदर थाने के पास पीछे से आ रहे एक ट्रक ने जो है टक्कर मार दी। ट्रक में जो युवक है उसको गंभीर चोटें आई है और जिसको बाद में इलाज के लिए अस्पताल लाया और प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें जोधपुर के लिए रेफर कर दिया गया। अब आप आगे वीडियो में सुनिए, जो युवक है वो इनको जो अस्पताल अपनी स्कूटी में इनको बिठाकर अस्पताल लेके आए, उनका क्या कहना है। जुड़े रहे हर छोटी से बड़ी खबर के लिए अशोक सेरा टीम से। मैं आपका साथी जसवंत सिंह शिवकर। मेरा नाम सैफ मोहम्मद है, मैं सिटी पुलिस कोतवाली के पीछे लेता हूँ। ये अपने सदर थाने के पीछे ये दो भाई जा रहे थे, तो इनका मतलब बैलेंस बिगड़ा और ये नीचे गिरे। बैलेंस नीचे गिरे और जैसे नीचे गिरे तो इनके ऊपर से ट्रैक्टर होके चल गया, जिससे इनकी आँख पर पूरी आँख पर और सर पर चोट आई। और मैं पीछे ही जा रहा था तो मैंने इनको भी अपनी स्कूटी पर बैठा करके हॉस्पिटल लेके आया। और सर तीन चार रिक्शा वालों से भी पूछा, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम फोन वाले को नहीं बैठाएंगे। फिर आप कैसे लेके आए इनको? सर हम इसको ओला स्कूटी पर लेके आए, लेकिन इनके साथ भाई था वो और एक मैं। फिर अब इनका कुछ नाम पता कहाँ के कुछ पता है? सर वो तो इनसे अभी पूछना बाकी है, बस हम तो जिनको जानते नहीं थे, एक्सीडेंट हुआ सामने देखा तो हम इनको लेकर आ गए।